हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं आपका जो पोरीफर्स है आपका उसमें आपका साइकॉन पर बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट एम के बारे में तो आइए स्टार्ट करते हैं इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा okay. गया है द फर्टिलाइजेशन इन साइकॉन टेक्स प्लेस यानी आपका जो साइकॉन है साइकॉन में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है तो फोर ऑप्शन दे रखे हैं इन सी वाटर स्पंजोसील विद इन क्वाइनोसाइट्स एंड इन ऑस्टिया। तो जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है स्पंजेस में यानी साइकॉन में तो वो होता है आपका इसमें आपका जो राइट right ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी विद इन क्वाइनोसाइट्स यानी क्वाइनोसाइट्स में आपका जो है जो फर्टिलाइजेशन होता है इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है क्वाइनोसाइट सेल्स में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पिक्यूल्स आर फाउंड इन स्पीक्यूल्स किसमें किसमें पाए जाते हैं साइकॉन यूस्पंजिया हर्डेमानिया एंड साइकॉन एंड साइकॉन एंड यूस्पंजिया तो इसमें जो आपका राइट right आंसर होगा वो होगा आपका जो ऑप्शन सी हर्डेमानिया एंड साइकॉन दोनों में आपका जो स्पिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं तो ये ज़्यादा परफेक्ट आंसर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 2001 यूपीपीएस पीसीएस प्री में पूछा गया है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वाइनोसाइड्स आर फाउंड इन अभी ये बात करी गई थी जो आपका स्पंजेस होते हैं स्पंजेस में आपका जो आउटर साइड में जो सेल्स होती हैं इनको बोलते हैं पिनकोसाइट्स और इसी के अंदर आपका क्वाइन लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल्स होती हैं क्वाइन की तरह जिनसे फ्लेजिला स्पंजोसिल कैविटी में प्रेजेंट रहते हैं इनको बोलते हैं आपका कॉनोसाइट्स तो क्वाइनोसाइट्स जो है वो आपका पाए जाते हैं आपका साइकॉन में तो इसमें राइट आंसर होगा आपका साइकॉन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो आपका एस्टीरियाज में भी नहीं होता है ओबेलिया में भी नहीं होता है ब्रेंकिस्टोमा में भी, भी नहीं होता है आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका साइकॉन साइकॉन में आपका जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और ये आपका क्वाइनोसाइड सेल्स में होता है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द हालो ब्लास्टूला ऑफ साइकॉन जो साइकॉन का जो हालो ब्लास्टूला है वो उसे क्या कहते हैं तो जो दो हालो ब्लास्टूला है फोर ऑप्शन दे रखे हैं स्टीरियो ब्लास्टूला सीलो ब्लास्टूला स्टोमो ब्लास्टूला एंड एम्फी ब्लास्टूला यह आपका एल्टीग्रेट 2018 में ये क्वेश्चन आपका आया है इसमें जो आपका राइट right आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी एम्फी जो आपका साइकॉन है साइकॉन में जो आपका हालो एक पोला एक यानी खोखला टाइप का जो ब्लास्टोला स्टेज होती है वो आपका कहलाती है एम्फी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑल स्टेज इज सीन इन द डेवलपमेंट ऑफ ओलिंथस स्टेज जो है वो आपका किसमें देखी जाती है जिसमें जो आपका फोर ऑप्शन दे रखें हाइड्रा एस्टीरियस साइकॉन एंड एस्कैरिस यूपी पी सी प्री 2010 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया इसमें जो आपका राइट right आंसर होगा वो होगा साइकॉन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइकॉन और अन स्पन बिलोंग्स टू क्लास इसमें क्लास पूछा है आपका साइकॉन का तो साइकॉन का जो क्लास है वो होता है आपका ऑप्शन ए कैल्केरिया चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बॉडी सरफेस ऑफ साइकॉन हैज स्पेयर स्पियर लाइक स्पिक्यूल्स कार्ड जो बॉडी सरफेस है आपका साइकॉन की उसमें स्पियर लाइक स्पिक्यूल्स जो आपका पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं तो इसमें आपका फोर ऑप्शन दे रखे हैं मोनो एग्जॉन स्पिक्यूल्स ऑक्जीओट्स कैलकेरियस स्पीक्यूल्स या सी शेप्ड स्पीक्यूल्स तो ये तो होगा ही नहीं इसमें जो आपका मेन मोनोक्सॉन भी नहीं होंगे अब बचे ऑक्जीएड्स और कैलकेरियस तो इसमें जो आपका राइट right आंसर होगा ऑप्शन बी ऑक्जीड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कैनाल सिस्टम यानी कैनाल सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है तो आप कैनाल सिस्टम का जो पार्ट नहीं है प्रोजो डर्मल पोर्स रिडल कैनाल या थीसोसाइट्स तो ये तीनों तो आपका जो है ये कैनाल सिस्टम का पार्ट है प्रोजो इसमें जो आपका जो राइट आंसर होगा इसमें पूछा गया है नॉट तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका थीसोसाइट्स अब इसमें आप कमेंट करके बताएं कि थीसोसाइड्स का क्या फंक्शन होता है ये आप हमें कमेंट करके बताएं कि जो स्पंजेस इस हैं इसमें आपका थीसोसाइड्स जो सेल्स होती हैं इनका क्या फंक्शन होता है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन साइकोना टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इन करेंट कैनाल्स आर कम्युनिकेटेड विद द रेडियल कैनाल्स थ्रू जो आपका साइकनॉड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है इसमें आपका इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल को जो कम्युनिकेट करते हैं वो होते हैं आपका प्रोजो पाइल्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेडियल कैनाल्स आर जो रेडियल कैनाल्स हैं आपका वो आपका क्या होती हैं इन्वेजिनेशन फोल्ड्स ऑफ द बॉडी इवेजिनेशन ऑफ बॉडी वॉल लाइंड बाई आर कनेक्टेड टू इन करेंट कैनाल बाई एपो पाइल्स तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इवेजिनेशंस ऑफ बॉडी वॉल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पंजो सील इन साइकॉन इज लाइंड बाई जो आपका अभी बताया गया है जो आपका स्पंजेस होते हैं तो स्पंजेस में आपका जो आउटर वाली सेल्स होती है इसको बोलते हैं आपका पिनैकोसाइड सेल्स और इंटरनल साइड में जो आपका क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपका फ्लैजेला निकला रहता है जो कि आपका लाइंड करती है स्पंजोसील कैविटी को इसको बोलते हैं आपका क्वाइनोसाइड्स पिनैकोसाइड्स आउटर साइड में होती है और क्वाइनोसाइड जो है लाइंड करती है आपका स्पंजोशील कैविटी को चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश आर द टोटी पोटेंट सेल्स इनमें कौन सी आपका टोटी पोटेंट सेल्स है तो जो आपका टोटी पोटेंट सेल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका आर्क्योसाइट्स आर्क्योसाइट्स जो है वो आपका टोटी पोटेंट सेल्स है नेक्स्ट क्वेश्चन इन स्पंजेस स्पिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाई स्पंजेस में जो आपका स्पिक्यूल्स होते हैं तो स्पिक्यूल्स आपका फॉर्मड होते हैं वो आप इसमें आपका फोर ऑप्शन दे रखे क्वानोसाइड्स, क्रोमोसाइड्स प्रोजोसाइड्स। ये दो तो क्लियर नहीं होंगे प्रोजोसाइड्स भी नहीं होगा राइट आंसर होगा आपका स्क्लेरोब्लास्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फूड इज स्टोर्ड इन फूड स्टोर्ड होता है आपका इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका तीजो साइड्स अभी हमने आपसे पूछा था कमेंट में तो जो आपका इसका फंक्शन होता है वो फूड स्टोर्ड का होता है तीजो साइड्स का चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इन साइकॉन एक्शन ऑफ फूड वैक्यूल्स इज साइकॉन में जो आपका फूड वैक्यूल्स में जो आपका फंक्शनिंग होती है कैसे होती है एसिडिक होती है बेसिक होती है फर्स्ट बेसिक देन एसिडिक या फर्स्ट एसिडिक देन एल्केलाइन या बेसिक तो इसमें जो आपका राइट right आंसर होगा वो आपका जो सिस्टम होता है वो लगभग एक ही तरह होता है तो ये आपका राइट right आंसर होगा ऑप्शन डी फर्स्ट एसिडिक देन एल्केलाइन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन साइकॉन बाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है साइकॉन में वो आपका थ्रू होता है आपका बर्डिंग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लार्वा फाउंड इन साइकॉन इज तो अभी आप बात करी गई थी जो लार्वा आपका जो होता है इसमें आपका वो फोर ऑप्शन दे रखे एम पी स्टोमोब्लास्टुला स्टोमो ब्लास्टोला प्लान तो वो आपका होता है यहाँ एम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पोस्ट लार्वा चेंज इन साइकॉन इज टर्म्ड एज पोस्ट जो लार्वल चेंज है उसको आपका बोलते हैं ओलिंथस अब नेक्स्ट है सेम लगभग लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है ओलिंथस स्टेज रिजेंबल्स जो आपका स्टेज रिजेंबल्स करती है वो आपका होती है एस्कॉन स्पंजेस में नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द स्पंजेस इज हार्मफुल टू अस्टर इंडस्ट्री जो ऑस्टर इंडस्ट्री है आपका पल फॉर्मेशन का जो वर्किंग है उसमें आपका कौन सा जो स्पंजेस है वो आपका हार्मफुल होता है तो इसमें आपका है फोर आपके दे रखे हैं तो उसमें आपका राइट आंसर होगा क्लायोना क्लायोना जो है वो आपका हार्मफुल होता है ऑस्टर इंडस्ट्री के लिए नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीडेंट्री एज एडल्ट बट एक्टिव एज लार्वा सीडेंट्री मतलब एक प्रकार से एडल्ट में आपका सीडेंट्रीज और आपका लार्वा जो है वो एक्टिव रहता है तो ये आपका जो स्टेजेस है वो आपका पाई जाती है स्पंजेस में जब ये मेच्योर्ड होते हैं एडल्ट तो आपके स्टैटिक हो जाते हैं बिल्कुल नेक्स्ट है आपका एनिमल नेचर इन स्पंजेस वाज एस्टेब्लिश्ड बाई जो एनिमल नेचर है स्पंजस में आपका एनिमल नेचर पाया जाता है एनिमल की तरह बीएफ करते पढ़ते हैं ये सबसे पहले आपका किसने तो आपक करा था एलियाज ने ऑप्शन बी एलियाज़ नेक्स्ट है आपका फाइलम सिलेंट्रेटा हैज रिमेंट एट फाइलम सिलेंट्रेटा है जिसमें आपके क्या रिमेंड करता है सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल या ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन सिस्टम हो नहीं सकता है सेलुलर लेवल भी नहीं होता है इसमें आप सीलन ट्रेटा की बात करी जा रही है थोड़ा ध्यान दीजिएगा एक दो क्वेश्चन सीलन ट्रेट से भी आ गए हैं तो सीलन ट्रेटा में आपका जो होता है वो होता है आपका टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोरल आइसलैंड व सेंट्रल शेलो लेक इज नोन एज कोरल आइसलैंड विथ ए सेंट्रल शैलो लेक जो कोरल आइसलैंड मनते हैं जिसमें आपका सेंट्रल में शैलो लेक हो तो वो आपका फॉर्म कहलाता है ए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका पिनैकोसाइट्स आर फाउंड इन द बॉडी पिनकोसाइट्स जो आपकी बात करी गई थी तो आउटर साइड में जो आपका कवरिंग होती है पिनलाइक सेल्स होती है वो आपका पाई जाती है स्पंजेस में तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बेस्ड जो साइकॉन है स्पंजेस में उस पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आशा करते हैं आपको पसंद आए